हेलो एवरीवन, मैं अंकुश और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ CHSL 19 वाले कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था, उनका आंसर किया या मार्क्स जितने भी बन रहे हों, और CHSL 20 वालों के लिए भी कह सकते हैं जो पहली बार CHSL का एग्ज़ाम मतलब अपीयर हो रहे हैं, कि कैसे क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में बताने के लिए। पहले तो जैसे CHSL का आपने फॉर्म भरा, अभी आपने दिया है PT का एग्ज़ाम दिया है 19 में, या फिर 20 का आप फॉर्म भरे होंगे या भर रहे होंगे, तो उसमें आपको क्या करना है। पहला चीज़ है तो आप एग्ज़ाम दिए, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका एडमिट कार्ड आया, आपने एग्ज़ाम दिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद मार्क्स बन रहे हैं लोगों के, कई लोगों के 120 मार्क्स बन रहे होंगे, किसी के 160 बन रहे होंगे, किसी के 150 बन रहे होंगे, किसी के 190 भी बन रहे होंगे। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है, ये जो टायर वन है, प्रीलिमिनरी टेस्ट तो नहीं होता है SSC में, उसको टायर वन ही कहते हैं, तो उसका कितना वेटेज है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो CHSL के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम तो यही है जिसकी आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे सकते हो। अदरवाइज जो टायर टू होता है उसकी कोई खास ऐसी प्रिपरेशन नहीं है जिसमें आप समय दो। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपने, आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, तो कुछ बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे कि मेरे इतने ही बन रहे हैं, क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट ईजी हार्ड जो भी है उसमें देख के। तो प्राइमरी फोकस किसी का भी होना चाहिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाए। कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि मार्क्स अच्छे नहीं बनते हैं, बट अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो तो टायर टू में एक उम्मीद रहती है कि आप अगर अच्छा स्कोर कर जाते हो तो CHSL में लोग जॉब ले लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर PT में आपका मार्क्स कट ऑफ से 2 ही 3 नंबर ऊपर है तब भी लोग जॉब ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और तो इसलिए आपको ज़्यादा डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच के कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। तो आगे अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे PT आपने दिया, फिर मेंस का एडमिट कार्ड आएगा अपना, अगर मैंने पहले रिजल्ट आएगा PT का, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, अपने मेंस का दोगे पेपर जो भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके बाद आपको देना पड़ेगा टाइपिंग होता है, कई कई जगह पे टाइपिंग और DV अलग अलग होता है, कहीं पे कभी कभी टाइपिंग DV सेम कर देते हैं। टाइपिंग का प्रोसेस अभी प्रेजेंटली SSC ने चेंज कर दिया है, पहले शीट पे टाइपिंग होती थी, अब उन्होंने ऑन स्क्रीन देखकर टाइपिंग देने के लिए, मतलब ऑन स्क्रीन टाइपिंग कराने का वो नया प्रोसेस स्टार्ट किया है। इस बार होगा 26 तारीख को, जो 2018 वाले बच्चे जाएंगे टाइपिंग देने, तो उनसे कुछ आइडिया आपको मिल सकता है। और तो टाइपिंग, अब कुछ बच्चे हैं जो CHSL का फॉर्म भर देते हैं, PT वगैरह का, या फिर मेंस का जो भी बने, सॉरी PT का एग्ज़ाम भी दे देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तैयारी काफ़ी अच्छी करते हैं, लेकिन वो टाइपिंग को सेकेंडरी रखते हैं कि वो जब आएगी तब तैयारी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना होता है, आप अपना टाइपिंग तैयार करो, बिकॉज विदाउट टाइपिंग आपके PT के 180 मार्क्स का भी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करते हो तो। एकदम उसको हल्के में मत लो, टाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइपिंग क्वालिफाई करो। टाइपिंग आप क्वालिफाई करोगे, मेंस का जो भी आपका मार्क्स बनेगा उसके ऊपर से टाइपिंग करने के बाद, DV करने के बाद मेरिट लिस्ट आती है SSC की, उसमें आपका जो भी लेवल रहता है, जो भी रैंक रहता है, उस रैंक के हिसाब से आप टाइपिंग करने जब जाओगे या फिर DV देने जाओगे तब प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है। प्रेफरेंस फॉर्म में कि कौन सी जॉब कैसे लेनी है, तो लोग अपने अपने हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं। आज के डेट में तो CHSL में प्रेफरेंस फॉर्म का कोई खास अहमियत नहीं रह गया है, क्योंकि उसमें 4000 सीट्स एक ही टाइप के जॉब के लिए है, मतलब सॉरी 5000 में से 3500 के आसपास एक ही टाइप का जॉब है, बस उसके लिए आपको प्रेफरेंस भरना है। तो बेसिकली ज़्यादातर मैंने 70% लोगों को तो मिल जा रही है यही PA से, तो बेसिकली PA ऐसे ही ज़्यादातर लोगों को मिलती है। तो उसके बाद अपना जब SSC का हो जाता है, तो SSC क्या करती है कि आप जब जाओगे DV के लिए तो आपका एक डोजियर बना रहता है, डोजियर मतलब एक फाइल रहती है, उस फाइल में आपका जो भी जितने भी आपने एग्ज़ाम दिया उसकी कमीशन कॉपी होती है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म SSC की तरफ जो गया रहता है वो भी उसमें भरा हुआ रहता है, और आपकी और भी जो भी एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल रहती है वो, तो उस डोजियर फाइल को जब आपकी जॉब लगती है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसको भेजा जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट में, बस।
यहाँ तक था आपका और एसएससी का इंटर रिलेशन, उसके बाद एसएससी को आपसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पार्डन माई लैंग्वेज, घंटा फर्क नहीं मतलब आपसे कोई उसको मतलब नहीं है, रह जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो जो भी डिपार्टमेंट है तो उसमें दो तीन तरह के मिनिस्ट्रीज के ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि आपसे प्रेफरेंस वगैरह नहीं भरते, गिनती का सीट रहता है उनके पास जो क्लर्क वाले होते हैं, मतलब मान लीजिए 10-15 सीट है तो वो रैंडमली एलोकेट कर देते हैं कि किसको कहाँ भेजना है। अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है कि जो हाई रैंकर्स होते हैं उनको हेडक्वार्टर वगैरह एरिया मिलता है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन फिर भी कई सारे डिपार्टमेंट्स में पूछा ही नहीं जाता है आपसे प्रेफरेंस। उसके बाद आप देखोगे कि आप जब पीएएसए की बात करोगे तो पीएएसए में दो तीन फॉर्म्स आती हैं, दो तीन एलोकेशन की अलग अलग फॉर्म्स आती हैं, सर्कल एलोकेशन मैंने सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली वीडियो में बताया है, तो वैसे उसका उसमें प्रोसेस होता है। पीएएसए का जो प्रोसेस है वो 6-7 महीना में कम्प्लीट हो जाता है, मिनिस्ट्रीज वाली प्रोसेस भी 6-7 महीना ले लेती है, हालांकि उनका कोई ऐसा काम नहीं रहता है कि 6-7 महीना उनका लगे, लेकिन सरकारी प्रोसेस से टाइम लग जाता है। पीएएसए अपने हिसाब से बहुत स्पीड में काम कराती हैं क्योंकि जितना उनका प्रोसेस है वो 6-7 महीने में कंप्लीट कर लेना एक अच्छा बात कहलाता है, क्योंकि उनको इम्प्लॉयज की ज़रूरत रहती है तो वो अपना जल्दी से जल्दी भर लेते हैं जो भी नए कैंडिडेट्स होते हैं। और अभी तो बस इतना है, और उसके बाद तैयारी से रिलेटेड कुछ बताना होगा तो मैं बताऊँगा। अभी तो मैं पटना में हूँ, कल मेरा पेपर था मेंस का, कैसा गया कैसा नहीं गया मैं बता नहीं सकता, बाद में कभी रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। और अभी पटना में ही हूँ क्योंकि 17 को सोच रहा हूँ WO वाला पेपर दे दूँ जो फाइनेंस वाला होता है। फिर मिलते हैं तब, तब तक के लिए बाय।